मेरा अफसाना चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आखिर एक औरत चाहती क्या है? जवाब में 10,000 पन्नों की किताब दिखाई जाती है, पर सही जवाब असल में सिर्फ एक पंक्ति का है। आप भी पढ़े यह छोटी सी कहानी। राजा हर्षवर्धन युद्ध में हार गए। हथकड़ियों में जीते हुए पड़ोसी राजा के सम्मुख पेश किए गए। पड़ोसी देश का राजा अपनी जीत से प्रसन्न था और उसने हर्षवर्धन के सम्मुख एक प्रस्ताव रखा। यदि तुम एक प्रश्न का जवाब हमें लाकर दे दोगे तो हम तुम्हारा राज्य लौटा देंगे, अन्यथा उम्र कैद के लिए तैयार रहें। प्रश्न है, एक स्त्री को सचमुच क्या चाहिए होता है? इसके लिए तुम्हारे पास 1 महीने का समय है। हर्षवर्धन ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। वे जगह जगह जाकर विदेशियों, विद्वानों और तमाम घरेलू स्त्रियों से लेकर दासियों और रानियों साध्वी सबसे मिले और जानना चाहा कि एक स्त्री को सचमुच क्या चाहिए होता है। किसी ने सोना, किसी ने चांदी, किसी ने हीरे जवाहरात, किसी ने प्रेम प्यार, किसी ने बेटा बेटी, पति पिता, परिवार, तो किसी ने राजपाट और संन्यास की बातें की, मगर हर्षवर्धन को संतोष ना हुआ। महीना बीतने को आया और हर्षवर्धन को कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। किसी ने सुझाया कि दूर देश में एक जादूगरनी रहती है, उसके पास हर चीज़ का जवाब होता है, शायद उसके पास इस प्रश्न का भी जवाब हो। हर्षवर्धन अपने मित्र सिद्धराज के साथ जादूगरनी के पास गए और अपना प्रश्न दोहराया। जादूगरनी ने हर्षवर्धन के मित्र की ओर देखते हुए कहा, मैं आपको सही उत्तर बताऊंगी, परंतु इसके एवज में आपके मित्र को मुझसे शादी करनी होगी। जादूगरनी बुढ़िया तो थी ही, बेहद खूबसूरत थी। उसके बदबूदार पोपले मुंह से एक सड़ा दांत झलका, तब उसने अपनी कुटिल मुस्कुराहट हर्षवर्धन की ओर फेंकी। हर्षवर्धन ने अपने मित्र को परेशानी में नहीं डालने की खातिर मना कर दिया। सिद्धराज ने एक बात नहीं सुनी और अपने मित्र के जीवन की खातिर जादूगरनी से विवाह को तैयार हो गया। तब जादूगरनी ने उत्तर बताया, स्त्रियाँ स्वयं निर्णय लेने में आत्मनिर्भर बनना चाहती हैं। यह उत्तर हर्षवर्धन को कुछ जमा। पड़ोसी राज्य के राजा ने भी इसे स्वीकार कर लिया और उसने हर्षवर्धन को उसका राज्य लौटा दिया। इधर जादूगरनी ने सिद्धराज का विवाह हो गया। जादूगरनी ने मधु रात्रि को अपने पति से कहा, चूँकि तुम्हारा हृदय पवित्र है और अपने मित्र के लिए तुमने कुर्बानी दी है, अतः मैं 24 घंटे में 12 घंटे तो रूपसी के रूप में रहूँगी और बाकी 12 घंटे अपने सही रूप में। बताओ तुम्हें क्या पसंद है? सिद्धराज ने कहा, प्रिया, यह निर्णय तुम्हें ही करना है। मैंने तुम्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया है और तुम्हारा हर रूप मुझे पसंद है। जादूगरनी यह सुनते ही रूपसी बन गई। उसने कहा, चूँकि तुमने निर्णय मुझ पर छोड़ दिया तो मैं अब हमेशा इसी रूप में रहूँगी। दरअसल मेरा असली रूप ही यही है, बस सूरत बुढ़िया का रूप तो मैंने अपने आसपास से दुनिया को कुटिल लोगों को दूर करने के लिए धरा हुआ था। कथा का लोक संकेत यह है कि सामाजिक व्यवस्था ने औरत को परतंत्र बना दिया है, पर मानसिक रूप से कोई भी महिला परतंत्र नहीं है। इसलिए जो लोग पत्नी को घर की मालकिन बना देते हैं वे अक्सर दुखी देखे जाते हैं। आप उसे मालकिन भले ही ना बनाएं, पर उसकी ज़िंदगी के एक हिस्से को मुक्त कर दे, उसे उस हिस्से से जुड़े निर्णय स्वयं लेने दे। तो दोस्तों, आपको ये आज की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी पढ़ने और सुनने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।